बीटीवी पर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के पहले इवेंट टेलीविजन बीटीवी के नाज़रीन से नसीम राजपूत मुखातिब है। आप कई सारे इवेंट्स देखते रहते होंगे बीटीवी पर, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस भी जिसमें पेश रहते हैं, और अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लाइव स्टॉक एक्सपो, जो 18 से 20 नवंबर तक बलूचिस्तान में क्वेटा में जो है यूनिवर्सिटी में होगा। और ये खासा इम्पॉर्टेंट इवेंट है अगर लाइव स्टॉक की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, इस लिहाज से कि रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा, और अगर लाइव स्टॉक को पालने की बात होती है, उनको आगे बढ़ाने की बात होती है, तो रकबा ज़रूर दरकार होता है। ऐसे में ये फैसला किया है बलूचिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ स्टॉक ने, और वो इवेंट कराने के लिए जा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान क्वेटा में मुनक्किद होगा। मेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो कई शोबों में नुमाया काम कर चुकी हैं, कई इदारों के साथ मुंसलिक ले चुकी हैं। अगर इस वक्त भी मैं बात करता हूं तो डेयरी एंड कैटर फार्मर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आबाद के साउथ रीजन के चेयरमैन की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं, अब भी आबाद में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसके साथ साथ FPCCI में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और कई सारी एग्जीबिशन जो हुई हैं, कई सारे बड़े इस मुल्क के इवेंट्स हुए उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हारिस मिठानी साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। हरी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है बलूचिस्तान की मईशत के लिए, और जो एहसास महरूमी पाई जाती है बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान लाइफ स्टॉक एक्सपो क्या रोल प्ले कर सकती है? बलूचिस्तान की जो हमारी एक उस माँ की जो मादनी वसाइल हैं और जो माँ की इम्पॉर्टेंट्स हैं उसको उजागर करें, वो ज़रूर होने चाहिए। लाइव स्टॉक का जब ये जनाब CM बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने और लाइव स्टॉक मिनिस्टर्स इन्होंने जब इनिशिएटिव लिया, और डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के बिहाफ पे हम जब इनके साथ मीटिंग में थे, तो इन्होंने हमें इस एग्जीबिशन के हवाले से बताया, तो हमने इसे फुली सपोर्ट और इंडोज करने की हमने बात की कि हम इसको इंडोज करेंगे, इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फार्मर्स को जो है वो हम इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनाएं। बड़ा अच्छा एकदम है, बलूचिस्तान में ज़रूरत है इन चीज़ों की, एक मजबूत मैसेज जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान भी और बाहर भी जाता है। बलूचिस्तान के अंदर लाइव स्टॉक में दूसरे सूबों प्रोविंस की नस्बत कम है इस वक्त, लेकिन अगरचे वहाँ पर थोड़ा सा बेहतर अंदाज से चीज़ें जो है वो अच्छे अंदाज से चीज़ें आगे चलें, कुछ डेवलपमेंट हो वहाँ पे, थोड़ी सी जो है वो बदहाली में जब कमी आएगी तो ऑटोमेटिक लोगों को रोज़गार मिल जाएगा इस तरीके से, और ये बड़ा आसान रोज़गार है एक ले मैन जो होता है वो फार्मिंग करके और कुछ लाइव स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों को, भेड़ बकरियाँ ये दूसरी चीज़ों को पाल कर जो है वो एक अच्छे अंदाज से अपना रोज़गार हासिल कर सकता है। तो वहाँ ज़रूरत है अपॉर्चुनिटीज़ देने की, लाइव स्टॉक एक बहुत बड़ी फील्ड है, और अगर जो है वो इनिशिएटिव लिया है CM बलूचिस्तान ने इस इवेंट को करने का, या लाइव स्टॉक मिनिस्टर ने, तो एक अच्छा इकदाम होगा। मैं समझता हूँ थोड़ी सी स्टार्ट में इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने में थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी, मगर इसके बहुत अच्छे और देर पर नतीजे बहुत अच्छे साबित होंगे इंशाल्लाह। हम रकबे के लिहाज से देखते हैं तो पाकिस्तान सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का बलूचिस्तान ही है, रकबा इतना ज़्यादा है, और लाइफ स्टॉक के लिए जिस तरीके से आपको भीड़ बकरियाँ चरवाने के लिए जो मौके बलूचिस्तान में मैसर हैं, बलूचिस्तान का सूबा इस शोबे के अंदर पाकिस्तान की मईशत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, आप समझते हैं? बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें हमारे बड़े मादनी वसाइल मौजूद हैं, जोग्राफिया लिहाज से एक बहुत बड़ा सूबा है, मगर बदहाली का काफ़ी एक अरसे से शिकार रहा है, वहाँ पर आपके हेल्थ के इशूज़ हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ रहे हैं, और उसके अलावा एजुकेशन के इशूज़ रहे हैं, तो ऐसे उसमें जब अब जब बेहतरी आई है और उसमें जब इस तरह के इवेंट्स होंगे और आप अपने जो है वो
بلوچستان میں جا کے اپنے ملک کے دوسرے پروونس کے ساتھ جب جو اپنی سکسیس جو ہے اپنے ایکسپیرینس جو ہے جب وہ شیئر کریں گے آٹومیٹکلی وہاں کے لوگوں میں بھی اویئرنیس آئے گی. ان کو میں نے کہا نا اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی, روزگار ملے گا, وہ کام پہ لگیں گے, کوئی بہتر کام کر سکیں گے. اور لائیو اسٹاک میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو یہ لائیو اسٹاک کے اوپر فوکس کرنے کا فیصلہ کیا یہ زیادہ اچھا ہے. اس میں بہت جلدی وہ روزگار سے منسلک ہو کر اور بہتر انداز سے چیزوں کو آگے کر سکیں گے. تو یہ اس ایونٹ کے بعد انوینچولی ہم دیکھیں گے کہ جب ایک ایونٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان کے جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں ڈیری اور لائیو اسٹاک سیکٹر کے لیے کام کر رہی ہیں, جب ان کا فوکس بلوچستان رہے گا تو آٹومیٹکلی وہ وہاں جا کے جو ہے وہاں پر ان کو اویئر بھی کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ کس انداز سے فارمنگ کرنی ہے اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے ایزی لی جو ہے وہ ارن کرنا ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا جب یہ ایونٹ ہوگا لائیو اسٹاک بلوچستان لائیو اسٹاک ایکسپو 2019 ہونے کے بعد. جب آپ 20 پہ آئیں گے تو آپ دیکھے گا کہ پھر لوگ خود اس طرف آ رہے ہوں گے. تو اٹس ویری میں سمجھتا ہوں پازیٹیو جو ہے وہ یہ ایک اسٹیپ ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں جس طرح سے بلوچستان گورنمنٹ کا ایک کردار رہا ہے اسی طریقے سے دوسری جتنے جو اس سیکٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں جو لوگ ان سب کی بھی ایک اچھی پارٹیسپیشن ہے اور ڈی سی ایف اے نے بھی جو ہے ان کو کوشش کی ہے کہ ہم ان کا برین اسٹارمنگ کریں. ہم نے کراچی میں ایکسپوز کیے ہیں ڈیری لائیو اسٹاک کے حوالے سے, لاہور میں بھی کیے, اب ہم بلوچستان میں بھی چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے خود انیشیٹو لیا, بہت اچھا ہے. اور پلس اس کے علاوہ بدر ایکسپو کا ہے کہ انہوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں چاہے وہ گوادر ہو یا چاہے وہ ایسی سخت جگہ کیوں نہ ہو جہاں پر کام کرنا یا کسی قسم کا ایونٹ کرنا ایک واقعی ایک مشکل بات ہوتی ہے, وہ چیلنجز اور وہ ٹاسک لے کے جب اس ایونٹ کو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی سکسیس ریٹس بڑھ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئین فیصلہ ہے اور اس میں اس کا جو کنٹریبیوشن, اس کا جو کریڈٹ ہے وہ بدر ایکسپو کو بھی جاتا ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اور ڈیری اینڈ لائیو اسٹاک سے ریلیٹڈ جو بھی ایسوسیشنز اور ایسوسیٹ جو لوگ ہیں وہ سب جنہوں نے انیشیٹو لیا ہم ڈیفینیٹلی جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس کے نتائج اس لے مین تک بھی جائیں گے جو آج وہاں بے روزگار ہیں.